हेलो फ्रेंड्स टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू हाउ यू कैन मेक अ यूट्यूब चैनल यूजिंग अ वेरी लो कॉस्ट सेटअप ओके देर आर वेरी फ्यू आइटम्स रिक्वायर्ड टू मेक अ सेटअप फॉर अ यूट्यूब वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू विच इन ऑल आइटम यू कैन बाय इट एट वॉट कॉस्ट एंड फ्रॉम वेयर यू कैन स्पेंड ओनली वेरी लेस अमाउंट ऑफ मनी टू स्टार्ट विथ सो अगर आप सोच रहे हैं कि नया यूट्यूब चैनल बनाए और उसमें कम से कम रुपए खर्च करके आप अपने आइडियाज़ जो भी आइडियाज़ है उसको इम्प्लाई करें और उससे एक बेहतरीन सा वीडियो बनाएं जिससे आपसे कोस्ट भी आपका कोस्ट भी बहुत कम हो और आप अर्निंग भी अच्छा, अच्छा खासा करें तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए रहेगी जो कि मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ तो चलिए शुरू करते हैं तो चलिए देखते हैं आप कौन कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए अगर आपको यूट्यूब वीडियो बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा आपको कोई भी स्टार्टिंग में कोई भी एक फ़ोन चाहिए या फिर कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन हो या आईफोन हो या कोई भी एक फ़ोन हो जिससे आप वीडियो एडिटिंग कर सके और ये बहुत ही यूज़फुल है आपको कोई भी सिंपल सा स्मार्टफोन भी चलेगा इसके लिए तो उसके बाद अब अगर आपको कुछ चाहिए तो है माइक क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी, भी हम कोई भी ऑडियो वीडियो देखते हैं तो उसका अगर वॉइस क्लैरिटी ठीक नहीं है तो हम उसको बराबर से देखेंगे नहीं और व्यूअर्स बहुत ही इम्पेक्ट होते हैं तो उसके लिए आपको परचेज़ करना पड़ेगा अगर आप पहले स्टार्टिंग के बहुत ही स्टार्टिंग के वीडियो बना रहे हैं तो आप परचेस कर सकते हो टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड रुपीज़ में भी आपको अमेजोन में लेवलियर माइक मिल जाएगा बहुत ही अच्छा सा जो आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप उससे भी अच्छा कुछ चा माइक लेना चाहते हैं तो आप उसके लिए जा सकते हैं ये बोया का माइक जो भी अभी मैंने परचेज़ किया है तो ये बोया बोया का माइक बहुत ही अच्छा है आपको अराउंड थाउजेंड रुपीज़ रेंज में आपको ये मिल जाएगा तो आप ये परचेज़ कर सकते हैं उसके अलावा आपका फ़ोन हो गया उसके बाद आपको चाहिए अगर आप लो बजट और ट्राईपोड ले सकते हो जैसे कि हमारे पास ये ट्राईपोड है बहुत ही सिंपल सा ट्राईपोड है और उसका अगर विर्थ अगर हम एक्सपांड करेंगे तो काफ़ी अच्छा सा विथ हो जाएगा उसके ऊपर से अगर हमको देखा जाए तो हमको ये यहाँ पर जो एक और कनेक्टर हमने जो मोबाइल होल्डर आता है ऑनलाइन आपको मिल जाएगा ये होल्डर भी तो आपको ये परचेज़ करना पड़ेगा ये तकरीबन आपको वन फिफ्टी में मिल जाएगा तो अगर आप लो बहुत ही लो कॉस्ट सेटअप में जाना चाहते हैं तो आप टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड रुपीज़ के माइक में जा सकते हैं और आपको ट्राईपोड मिल जाएगा ये अराउंड फोर तो हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड रुपीज़ में और वन ये हंड्रेड रुपीज़ इसका जोड़ लीजिए तो अराउंड फाइव हंड्रेड रुपीज़ का ये गिरेगा और आपको थ्री हंड्रेड का रुपीज़ एट हंड्रेड में आपका काम बन जाएगा अगर आप फिर भी थोड़ा उससे अगर आपको उससे ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का बनाना चाहते हैं थोड़ा अच्छा सा माइक खरीदना चाहते हैं तो आप ये वाला माइक ले सकते हैं जिसका थाउजेंड रुपीज़ कॉस्ट है और मैं आपको दूसरा ट्राई पोड दिखाऊँगा जो कि अभी मैंने रिसेंटली परचेज़ किया है तो ये वाला ट्राई पोड आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा ट्राईपोड है ये डीजी टेक का ट्राईपोर्ड है जो कि अराउंड वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड रुपीज़ में मिल जाएगा इसमें काफ़ी अच्छे सारे फीचर भी आपको मिल जाएंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पर भी मैंने एक मोबाइल होल्डर प्लेस किया है क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ मोबाइल से ही बनाता हूँ तो आप ये मोबाइल होल्डर अराउंड वन फिफ्टी रुपीज़ में आपको मिल जाएगा तो ये ट्राई पोड हो गया हमारा वन हंड्रेड वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड रुपीज़ का और ये आपको दूसरे सब एसरी तो आपको ये बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही लो कॉस्ट सेटअप मिल जाएगा उसके अलावा आप मैं दिखाऊंगा आपको दूसरा क्या चीज़ करना चाहिए जिससे आप वीडियो अच्छे बना सकें तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक ऑलरेडी एक कपड़ा डाला हुआ है जो कपड़ा कोई भी कलर का कपड़ा आप प्लेन कलर का कपड़ा डाल सकते हो जिससे कि आप वीडियो एडिटिंग में आप वो बैकग्राउंड रिमूव करके कोई भी वीडियो या कोई भी इमेज प्लेस कर सको तो आप ये कर सकते हो बहुत सी सिंपल सा कोई भी घर पे आ, कपड़ा पड़ा हुआ है वो भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आप उसको यूज़ करना नहीं चाहते कोई अच्छा क्वालिटी का यूज़ करना चाहते हो तो आप फोर हंड्रेड में भी आपको अमेजॉन से अच्छा सा कपड़ा मिल जाएगा जो भी ग्रीन या ब्लू कलर का हो जिसको आपका बैकग्राउंड चेंज कर सके तो उसका लिंक डिटेल डि, 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 डि भी मैं लिंक डि, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसके अलावा आपको दूसरा एक चीज़ करना है जो कि है लाइटिंग आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे ये रूम में दो लाइट है एक यहाँ पर लाइट है और दूसरा यहाँ पर लाइट है तो ये दो लाइट आपको थोड़ा अच्छा खासा सा लाइट मिल जाएगा अगर आप दो लाइट अगर प्लेस करते हो तो मेन है आपका ये लाइट जो कि आप जहाँ पर शूटिंग करते हो तो उसके नीचे की जो कलर का जो आपका कपड़ा डाला है जहाँ से आप बोलोगे तो वहाँ पर लाइट होना बहुत ज़रूरी है तो ताकि आप अंधेरे में भी वीडियो बना सको रात में भी बना सको अगर आप दिन में बनाते हो उसके लिए ये लाइटिंग की ज़रूरत नहीं है तो आपके मोबाइल से भी अच्छी क्लैरिटी का वीडियो बन जाएगा दिन में अगर आप रात में शूट कर रहे हो तो आपको ये लाइटिंग का ज़रूरत पड़ेगा उसके अलावा अगर अगर आप मोबाइल से इंटरेस्टेड नहीं हो वीडियो करने के लिए तो आप लैपटॉप भी ले सकते हो तो ऑलरेडी मेरे पास मेरा एक लैपटॉप है जो कि बहुत पुराना है एच का है और वो ही अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ लेकिन काफ़ी अच्छा चल रहा है अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो भी चलेगा आपको सिर्फ़ मोबाइल से एडिटिंग कर सकते हो उसके लिए आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो पावर डायरेक्टर यूज़ कर सकते हो काइन मास्टर यूज़ कर सकते हो या फिर दूसरा कोई भी अगर आप आईफोन यूज़ कर रहे हो तो आपको आई मूवी नाम का जो एप्लीकेशन है वो यूज़ कर सकते हो वो भी फ्री सब फ्री एप्लीकेशन आपको फ्री में मिल जाएगी तो ये आपने हमने देख लिया इतना ही चीज़ चाहिए आपको कोई भी वीडियो शूट करने के लिए इसके अलावा कोई भी एडिशनल इक्विपमेंट की आपको ज़रूरत नहीं गिरेगी अगर आप इसके बाद भी अगर कुछ नया लेना चाहते हो तो जैसे ही आप लाइटिंग स्टैंड आता है तो लाइटिंग स्टैंड भी ले सकते हो लाइटिंग स्टैंड से आप उसको फोकस कर सकते हो तो वो वाला एक चीज़ आपको अच्छा मिल जाएगा अगर लाइटिंग स्टैंड नहीं है तो भी चलेगा अगर उसकी लाइटिंग स्टैंड के बाद आप सॉफ्ट बॉक्स भी खरीद सकते हो हालाँकि अगर आप देखा जाए तो उसके अलावा बहुत सारे इक्विपमेंट अवेलेबल हैं मार्केट में जिससे आप अपना वीडियो बेहतरीन क्वालिटी का बना सकते हो कैमरा भी खरीद सकते हो लेकिन अगर लो कॉस्ट बजट की बात करें तो इतनी एसेसरी बहुत ही सफिशिएंट है